तो पोको तो यूज करता है, उसके अंदर MIUI आती है ना, MIUI जो भी जो है वो काफी ज्यादा जल्दी अभी हीट में जो है वो चल रही है। MIUI के ऊपर भी जो है काफी ज्यादा क्वेश्चन जो है वो उठ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इंडिया के अंदर काफी ज्यादा परचेज स्मार्टफोन्स होते हैं रेडमी के, और रेडमी के लगभग हर एक स्मार्टफोन के अंदर जो है वो MIUI आती है। तो इवेंचुअली काफी ज्यादा लोग जो है वो ओवर स्टॉक एंड्रॉयड वो लोग जो है वो MIUI चलाते हैं, और इंडिया के अंदर मैक्सिमम लोग जो है वो MIUI चलाते हैं। और एक तरीके से MIUI जैसा कि आप लोगों को पता है कि चाइना की है, तो कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई सा कैच, कोई ना कोई सी गलती जो है वो निकलनी थी और वो निकल के आ चुकी है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है ये आ रही है कि MIUI जो है वो डाटा कलेक्ट करता था इंडियन यूजर्स का, साथ ही साथ MI का जो ब्राउजर ऐप था वो भी जो है वो डाटा वगैरह कलेक्ट करता था। तो काफ़ी ज़्यादा बैन जो है, काफ़ी ज़्यादा इंडिया के अंदर जो है Xiaomi के ऐप्स जो है वो बैन हुए हैं। और अब जो है Xiaomi ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट निकाला जिसके अंदर Xiaomi वाले बोल रहे हैं कि वो लोग जो है वो अपनी MIUI का एक नया वर्जन निकालेंगे जिसके अंदर इंडिया की प्राइवेसी पॉलिसीज को जो है वो ध्यान में रखा जाएगा। क्योंकि इवेंचुअली अगर एक अपन हल्की सी प्रोबेबिलिटी लेके चलें कि इंडिया वाले MIUI को बैन कर देते हैं, और MIUI को बैन करने का मतलब है कि इंडिया के अंदर जितने भी स्मार्टफोन्स हैं, काफ़ी तो बड़ा मार्केट जो है Xiaomi ग्रैब करके रख रखा है, वो पूरा का पूरा मार्केट ही खत्म हो जाएगा और दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव है भी नहीं। दूसरे जो ऑल्टरनेटिव्स हैं वो आपको ओप्पो के देखने को मिलते हैं, वीवो के देखने को मिलते हैं, लेकिन ओप्पो वीवो के अंदर उनकी खुद की UIs आती है, ओप्पो की UI आती है, वीवो की UI आती है दुनिया भर की, तो उन सब के अंदर और फ्लॉज हैं, और ज़्यादा जो है प्राइवेसी इशूज़ हो सकते हैं। तो दूसरा सेकेंडरी ऑप्शन है नहीं जो आपको इतने सस्ते के अंदर काफ़ी तो शानदार वाला स्पेसिफिकेशन ऑफर कर पाए और काफ़ी तो शानदार अल्टरनेटिव साबित हो। माइक्रोमैक्स आई थी, बर्बाद हो गई, फ्लॉप हो गई। आई जस्ट डोंट नो कि माइक्रोमैक्स पहला मोबाइल माइक्रोमैक्स था, सबका सबसे पहला मोबाइल जो है माइक्रोमैक्स था मेरा वही। और मैंने तो लिया भी ऐसे था, उस टाइम 4G मोबाइल आ रहे थे, मैं शॉप पे गया, मैंने कहा मुझे 4G चाहिए, उन्होंने 4G नेम से मुझे दे दिया माइक्रोमैक्स। मैं तो खुश हो रहा था कि 4G है, जियो की सिम ली और डाली तो चली नहीं उसमें, पता चला कि मोबाइल 3G है। वापस दुकान पे गया माइक्रोमैक्स को लेके शॉपिंग सेंटर, वो बोलते हैं कि भैया जी आपने बोला था कि 3G लेना है मुझे, तो मैंने कहा नहीं नहीं मैंने 4G के लिए बोला था। ये तो बहुत गलत हुआ यार, तेरे साथ चोट हो गई भयंकर, दो का जज्बात पलट दिए भाई। चलो कोई बात नहीं, अब तो तेरे पास आ गया यार अच्छा खासा स्मार्टफोन। मैं ये बोल रहा था हाँ, MIUI अगर चली जाती है ना अगर इंडिया के अंदर से, तो एक तरीके से मैं खुश भी होऊंगा लेकिन दुखी भी होऊंगा उन लोगों के लिए जो कि MIUI के फोन्स जो हैं वो चलाते हैं। क्योंकि अब जो है लोग बहुत हाँ मतलब बहुत ज़्यादा यूज हो चुके हैं आजकल के इंडिया की जनरेशन और इंडिया के लोग जो हैं MIUI चलाने के अंदर, कि उनको अगर मैं स्टॉक एंड्रॉयड वाला फ़ोन पकड़ा भी दूं, जैसे कि मैं वन प्लस का फ़ोन पकड़ा दूं या कोई और, तो उनको जो है मज़ा ही नहीं आता। वो ये पूछते हैं अरे इसमें ऐप लॉक कहाँ है, अरे इसमें ये कहाँ है, अरे इसमें वो कहाँ है। एंड आई वॉज लाइक ये सारी चीज़ें जो है वो नहीं आती हैं, वो सारी सारी चीज़ें का वो जरूरत भी नहीं है अगर आप ध्यान से सोचो थोड़ी से बैठ के। बट इवेंचुअली जरूरी फीचर्स जो है वो आते हैं स्टॉक एंड्रॉइड के अंदर, जैसे कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह, ऐप लॉक वगैरह जो है वो ऑक्सीजन ओएस के अंदर आपको देखने को मिलता है। और मैं यहाँ पे चाइनीज़ कंपनी की ऐसे साइड नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वन प्लस भी जो एक चाइनीज़ कंपनी ही है, और लेकिन ये अगर ऑक्सीजन ओएस दे सकती है तो Xiaomi भी जो है स्टॉक क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड कोई सी भी UI जो है वो दे सकता है, लेकिन फिर भी वो MIUI पे स्टिक करता है, तो वो उनकी प्रेफरेंस है, मतलब मैं कुछ नहीं बोल सकता उसके अंदर। ओवरऑल अब MIUI जो है वो इम्प्रूव हुई है, MI ब्राउजर जैसे ऐप्स जो है वो हटा दिए गए हैं, और ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पर आपको कहीं भी और ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पर आपको कहीं से भी ऐसे वाले ऐप्स जो है वो देखने को नहीं मिलेंगे। और अब सब कुछ जो है वो सही ट्रैक पे जो है वो जा रहा है इंडिया की प्राइवेसी पॉलिसीज को अगर अपन कंसर्न में रख के देखें तो।